बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो फोर्थ लिस्ट है वो भी अवेज़ा कर दी है। ये वो हम आपको अभी बताएंगे। ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं, इन्होंने प्रोग्राम जो था वो इनका वो अपलोड कर दिया लिस्ट। इसमें हम सबसे पहले देखें, व्यू लिस्ट पर इस तरह क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इनकी लिस्ट है वो आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट है। इसमें भी अगर हम आपको बताएं तो ये देखें इनका जो लिस्ट है, दिस लिस्ट मे ट्रीट द प्रोविजन इज टिल द वेरिफिकेशन ऑफ जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके लिखने के बाद उनके जो बच्चे फ़ी जमा नहीं करवा रहे, उसके बाद दूसरी लिस्ट लगी, तीसरी और अब ये चौथी लिस्ट लग गई है जी। इसमें चौथी लिस्ट में आप उन्होंने बता दिया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फ़ी ये 6 जनवरी है। 6 जनवरी तक वो अपनी जो है फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जिन्होंने ना करवाई तो उसके बाद इनके नहीं नाम निकाल के अगली लिस्ट भी लगा दी जाएगी। उम्मीद तो यही है ये आखिरी लिस्ट होगी, लेकिन इसका अभी कोई पता नहीं कि इसके अलावा भी कोई लिस्ट लग सकती है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी की लिस्ट है। ये सारी वो आप देख रहे हैं, 4 और नौजवान यानी कि 4 स्टूडेंट और आगे हैं। और उसके बाद बीएस पब्लिक हेल्थ है, और बीएस पब्लिक हेल्थ में सिर्फ एक बच्चा बचा था या एक सीट रह गई थी, उस बच्चे का नाम आ गया जिसका नाम का इशबा अशरफ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो बीएस जेनेटिक एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, और फिर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी का एक और आया है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी दोबारा, फिर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, बीएस पब्लिक हेल्थ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, जेनेटिक एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, बीएस पब्लिक हेल्थ है। फिर वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे थे उनमें अब उन्होंने उस्मान सलीम है जो कि वेटिंग लिस्ट में है, और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी जो है, और फिर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ये सारे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये उनकी अब जो लिस्ट लगी है वो है। इसमें आप एक तरफ नाम लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, फिर वल्दियत है, और उसके बाद डेट है, फिर मेल या फीमेल है, फिर ज़िले का नाम है, और उसके बाद इनके नंबर्स हैं जो इनके हासिल किए और टोटल नंबर हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इनमें हम बात करें, ये सारी लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है। इस लिस्ट को हम आपको के सामने रख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। अगर सारी लिस्ट पढ़ के हम सुनाएंगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा जो वक्त लगेगा। तो इसमें आप फिर देखें, इसमें अभी तक जो 40 लिस्ट पहले है जो 40 बच्चों की है, और उसके बाद जो दूसरी लिस्ट है जो कि यानी कि फिजियोथेरापी, डॉक्टर और बायोमेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह के बाद, अब जो एक सीरियल आप देखें दाई जानब एक नंबर से शुरू हो गया है, आमना शब्बीर नाम है, ये बीएस ट्रांसफ्यूजन मेडिसन है। अब ये अब फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, और नंबर 5 पर आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट, इनका फिर वेटिंग लिस्ट में 4-5 बच्चों का आया है। और उसके बाद आप देखें 10 नंबर तक ये लगी है, और 10 के बाद आप फिर देखें 1 से शुरू हुआ है, तो इसमें बीएस पब्लिक हेल्थ साइंस है। इनके सारे जो प्रोग्राम हैं उनकी हम बात करें, आप पब्लिक हेल्थ साइंस है तो पब्लिक हेल्थ में जो बीएस है उसमें भी आप लास्ट में देखें 12 नंबर पर जो है वो बच्चों का वेटिंग लिस्ट में आया है। और इसके बाद अगर हम फिर देखें तो ये जो लिस्ट है ये अभी तक आपके सामने है, 35 है, आगे भी हम आपको दिखाते हैं। ये अब जो सारे बच्चे हैं इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, ये अपना वेटिंग लिस्ट में देख सकते हैं जिनका नाम आया है वो वेटिंग लिस्ट में। और फिर आप देखें 40 लिस्ट बच्चे हैं ये, तो 40 के बाद एक नंबर से फिर स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो बीएस जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिनका अब नाम आ चुका है, ये वेटिंग लिस्ट में नहीं है। इन बच्चों का भी इसी में नाम है, टॉप पे अब आप देखें एक नंबर है और नीचे 18 नंबर है। अब ये जो एक है ये आप देखें 18 नंबर तक इन बच्चों का नाम आ चुका है, और इसमें जो नंबर 14 है यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होती है। उसके बाद 19 है, 19 से लेकर आप देखें कि जो आपके सामने 35 है यानी कि 35 तक है, इनमें भी सारे वेटिंग लिस्ट में आए हैं। और आगे फिर मेडिकल साइंस है, आप ये देखें एक नंबर से शुरू हो रहा है, और आप देखें अब फिर टॉप पे है, टॉप पे एक नंबर है, वो जो नंबर है बीएस बायोमेडिकल साइंस है,
इसमें आप सारा देख सकते हैं। फिर वेटिंग लिस्ट इनकी स्टार्ट हो जाती है और इसमें जितने भी उन्होंने लगाने थे जो उनके, और साथ में अगर हम देखें इनके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं दाई जन्म, सबसे लास्ट पे देखें 26 नंबर बच्चे का लिखा है CNSE रिक्वायर्ड। इस बच्चे का CNSE नहीं है इसलिए ये वेटिंग में है। और इसके बाद नीचे आप देखें डोमिसाइल रिक्वायर्ड है इसी में, यानी कि 29 वाले बच्चे का, इसने डोमिसाइल अपना साथ नहीं लगाया हुआ। और लास्ट पे आप देखें 35 पे जो वो BS बायोमेडिकल साइंस है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे हैं बच्चों के नाम आ चुके हैं। इसमें हम फिर एक दफ़ा टॉप पर आपको बता दें तो ये देखें, पहले सीरियल नंबर है, फिर बेफाम है, फिर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फिर डोमिसाइल है, FSC मार्क्स हैं, FSC टोटल मार्क्स हैं, यानी कि जितने टोटल हैं और पहले जो है उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन है जितने लिए हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनका नाम लिखा जो हमने आपको अभी अभी बताए हैं, और फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें उन्होंने दाखिला हो गया है वो है, और फिर लास्ट पे रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में दो तीन बच्चों का लिखा है जैसे डोमिसाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट उनका नहीं है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लगाया हुआ, तो उनका रिमार्क्स में लिखा है कि उनकी ये चीज़ अवेल नहीं है, रिक्वायर्ड है हमें, यानी कि वो दोबारा जमा करवाएं। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।